नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समाज के एक शख्स की हरकत से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस्लामी धार्मिक पुस्तक जलाए जाने से नाराज लोगों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अपने ही समाज के एक शख्स को आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक के पन्नों को जलाया है। लोगों ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तो क्या कुछ है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समाज के एक शख्स की हरकत से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस्लामी धार्मिक पुस्तक जलाए जाने से नाराज लोगों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अपने ही समाज के एक शख्स को आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक के पन्नों को जलाया है। लोगों ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद शख्स को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल मामले में जाँच जारी है। धार्मिक किताब के पन्ने जलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मामला बरेली के थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज का है। यहाँ रहने वाले ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी खालिद अहमद पे मुस्लिम समाज के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि खालिद ने इस्लामी धार्मिक पुस्तक के पेज जलाए हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि जब भी धार्मिक किताब के पन्ने अगर खराब हो जाए तो उन्हें दफन कर दिया जाता है, लेकिन खालिद ने उन्हें दफनाने के बजाय जला दिया। इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग हंगामा करने थाने आ पहुंचे। उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। थाने के बाहर मचे बवाल को देखते हुए पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इतनी संख्या में थे कि अनहोनी होने की आशंका के बीच दूसरे थानों से भी पुलिस फोर्स मंगवानी पड़ गई। लोग तब भी नहीं माने तो पुलिस ने खालिद अहमद से माफीनामा लिखवाया। इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने खालिद को हिरासत में ले लिया। जब जाकर भीड़ का गुस्सा शांत हुआ, पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। वही किला थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक के पन्ने जलाने को लेकर विवाद हुआ था। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, जो आगामी कार्रवाई जारी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।